गलती नाल उंगली मेरी कट गई बुरानी है, मेरे नाल दुखड़ा बजाता 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 है, उतर जते मारी मेरी मत कई मार गए बड़ी तकलीफ मैं यदि माँ मैं अपनी बहन के घर नहीं गई ना तो उन्होंने पंडित ने मदद जागरण नहीं करना, उन्होंने पंडित ने मदद जागरण नहीं करना तो पिछले मेरी बहन का बच्चा कितना भी मार, मां समझ कोई ना कोई चमत्कार दिखाओ। तो माता वैकुंठ तारा रानी की सच्चे मन कने सच्ची भक्ति कने माता जी अपने पुकारना से केले के बोलना, तेरा चमक रहा मैया सोना दरबार, तेरा चमक राजा हरिचंद जी को माता बड़ी नींद आ गई महलों में। उस तो बाद तारा रानी जी अपने राज महलों से रुकमण के घर जमींदार के घर माता जी जागरण करने वास्ते लगे चढ़ना, सक्या लगे बोलना, महाराज ओ तारा रानी चली पई भो चली पई जय जगदाते, ओ तारा रानी चली पई भो जय जगदाते, ओ तारा रानी चली पई भो चली पई जय जगदाते, ओ तारा रानी चली पई भो चली पई जय जगदाते, ओ तारा रानी चली पई भो चली पई जय जगदाते, ओ तारा रानी चली पई भो चली पई जय जगदाते, ओ तारा रानी चली पई भो अपने राज महलों से
रुकमण के घर जमींदार के घर माता जी को जागरण करने वास्ते लगी पैसा चल रहा। लेकिन राजे ने अपनी पत्नी तारा राणी रोकने वास्ते क्या किया था अपने राज महलों के सत्तों दरबार बंद करते चमत्कार दिखाओ। तो माता बाई तारा राणी परमात्मा जी का क्या आशीर्वाद हुआ कि तारा राणी जी जो अपने राज महलों में एक माता बाई खिड़की नजर आई, उस खिड़की दे विच शेष नाग बैठे और माता बाई ने तारा राणा जी ने शेष नाग दी जो एक रस्सा ही समझा और तारा राणा जी ने शेष नाग का सारा लिया अपने राज महल के नीचे उतरी आए जेड़ा रुकमण के घर रास्ता गया ना उस रास्ते से चली पैसा चल। लेकिन राजे ने कई डाकू पहरेदार उस रास्ते से लगाए थे। माता बाई ने तारा राणा जी लगे चढ़ना अपनी बैगन के घर ना सडाकू तारा राणा पिछले दौड़ी पाया तारा राणा जी पकड़ने वास्ते अग अगे तारा राणी लगे दौड़ना पिछे पिछे डाकू लगे दौड़ना दौड़ते तारा राणी की पैर की पंजेब रास्ते दिख गई और डाकू माता बाई ने उस पंजेब पर चुकन राजे वाले चल गए राजा अब तुझे तारा राणी जड़ी है ना इसी रास्ते गई है थोपड़ी राणी रोक सुगंध रोक लो बड़ा भारी अनर्थ होने वाला है। लेकिन माता बाई जो कोई नहीं कर सकता है मेरी माता कर सकते है मानो तो भगवान ना मानो तो एक माता प्रेमी फोटो है माता जी का सुंदर दरबार है। तो माता प्रेमी मन के करिए भगवान के साथ होना बड़ी ही जरूरी है। सह माता प्रेमी डाकू उस पंजाब चुप कर लाने हो गया रखिए इनका खड़े हो गया जेड़े तारा राणा के सपून थे वो भी तुम साई हो रहे थे। उस औरत ने क्या था साक्षात माता जी की भक्ति भावना थी साक्षात वो माता जी का अवतार था और जिसने पैदा होते ही क्या बोले सारे बोलो जय माता दी। तो माता बाई ने तारा राणी जी अपने राज महलों से रूप बनते घर जमेदार पूछी है सारे जमेदार ने तारा राणी जी का आदर सम्मान का स्वागत किया और तारा राणी जी ने माता जी की जोत प्रचारण की और जिस टाइम भोग लगाने की बारी आई ना माता जी जो तो पता किस चीज का भोग पड़े थे रुकमण के घर जमेदार के घर मीट मछली के प्रसाद का भोग पड़े था बाटी के प्रसाद का भोग पड़े था। तो माता बाई ने तारा राणी जी ने मीट मछली का प्रसाद लिया और अपनी गोद में पाई लिया माता जी माता बनी कुरलों की लगाई उसके बाद अपनी गोद में पाई लिया मेरा एक एक बच्चा है मेरा आज मान लो प्रसाद प्रसाद ही होता है ये तो लखा रुपये दुबा है और थोड़ा देर प्रसाद मैं अपने बच्चे में लेना है। तो माता बाई ने तारा राणी जी ने मीट मछली का प्रसाद लिया अपनी गोद च पाई लिया आधी रात का समय था अपनी रात में लगी पहचाना वापिस माता बाई ने चलते चलते थोड़ी दूर गए ना तो आधे रास्ते राजा हरि चंद जी मेरी पै तारा राणी जी राजा गुस्से में बड़े ही प्रबल थे आखो लालो लाल राजे दिया राजे ने बोले राणी तू घर तो लाए आधी रात का टाइम बियाबान जंगल अंधेरी रात्रि तू कितने गई तू मैंने जरा जल्दी जल्दी बता मैं जगराते हुए थे प्रभु जी तू झूठ बोला कर नहीं महाराज बिल्कुल सत्य है। तो माता बाई ने तारा राणी जी सच्चे मन करे सच्ची भक्ति करने माता जी ने पुकार कि मेरी माँ मैं तो किसी का अच्छा करने वास्ते गई थी मेरी माँ मेरी गोद की मीट मछली का प्रसाद है राज अखंड की कृपाण है राजे जो पता लगे कि मेरी गोद वो मीट मछली का प्रसाद है तो राजे ने मेरा बड़ा बुरा हाल कर देना है माफ समझ कोई ना कोई चमत्कार दिखाओ। तो माता बाई ने तारा राणी जी लगे पुकारना माता जी जो से कह रहे बोल भूमि मेरा बकर बन पालन हारा तेरा ही सहारा तू है सहारा Oh, 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 oh
अपनी मीट मछली प्रसाद की गोद लई और आज जो दिखाई राजा दिखो मेरी गोद क्या है तो माता बहन तारा राणी जी की गोद जो मीट मछली का प्रसाद था ना उस मीट मछली के प्रसाद बदल के चार लेवा और फूल मखाना और गरिया छुआरे का प्रसाद बन गया साक्षात माता जी का चमत्कार आशीर्वाद हो गया। राज ने बोले राणी तेरी गोद में तो मीट मछली का प्रसाद था ये चार लेवा फूल मखाना ये गरिया छुआरे का प्रसाद ये आया तो आया तुझे जादू करनी है इन्हें जादू खाने तू तो सीखी आई हो भाई जाए करें जादू टूने नहीं है महाराज ए मां का चमत्कार आशीर्वाद है प्रभु जी ए माता रानी है कई कुछ बनाई थी महाराज और जो बनाई हुई जरा प्रोग्राम में ठंडी चुंदा नहीं तो आसान रहा तो इस वक्त तुम्हारी कुल्फी बनाई है थोड़ी बर्फी तो माता प्रेमी राज ने बोले रानी तेरी माता क्या मीट मछली प्रसाद था ये चार लेवा ये फूल मखाना ये गरीब छुआर ने प्रसाद बनाई सकती है मैं तेरी माता की परीक्षा लेनी है मैं तेरी माता के पूर्ण रूप दिखने हैं दर्शन करने हैं तो माता बोले को तारा रानी जी ने बोले राजा मेरी माता जी की पहचान करने दर्शन करने बड़ा भारी भजन करना पौना है भक्ति करना पौनी है कई रात माता जी के गुणगान के ऊपर लगाना पौने राजा हाँ भगवान की पहचान करना आसान कर दी है। राज ने बोले रानी चाहे मेरी जान की बाजी क्यों ना लग जाए लेकिन मैं तेरी माता की परीक्षा लेनी है तो माता बोले तारा रानी जी ने बोले राजा तो मेरी माता की परीक्षा लेनी ना जाओ चले जाओ महलों में जो आपके राज महलों में सब तो प्यारी चीज है उस चीज की बलि ले आओ मेरी माता जी के चरणों में उसके बाद देखो मेरी माता जी का चमत्कार शुरू। राज ने एक बड़ा सुंदर घोड़ा पालिया था महलों के बीच माता प्रेमी राज ने अपने घोड़े सर कटिया और बाल ने पकड़े तारा रानी वाली आ रानी ले मेरा नीला घोड़ा सब तो प्यारी चीज है मेरे राज महलों में किसी भी लड़ाई चारे नहीं मेरा घोड़ा है। तो माता प्रेमी तारा रानी जी ने बोले राजा ये घोड़ा आपके राज महलों में सब तो प्यारी चीज नहीं है। तो माता प्रेमी राज ने बोले रानी ये घोड़ा मेरे राज महलों में सब तो प्यारी चीज नहीं है तो हो की चीज है। उस तो बाद तारा रानी जी ने बोले राजा मैं दस दी है सुनो ये पुत्र तू सादा लाडला मेरे स्वामी जी पुत्र तू कली चढ़ाई दो मेरे स्वामी जी पुत्र तू सादा लाडला मेरे स्वामी जी पुत्र तू कली चढ़ाई दो मेरे स्वामी जी जाबता तो जाबो मेरे स्वामी जी पुत्र तू कली चढ़ाई दो मेरे स्वामी जी Thank you.
काट के मेरी माता जी के चरणों में। उसके बाद देखो मेरी माता जी का चमत्कार सेवा। राज ने बोले रानी की कैसी मां है, तुझे पता है माता पिता जो बच्चे किस तरह मिलते हैं, कितने प्यारे हैं माता पिता जो बच्चे। तू ये बोल रही है मैं अपने बच्चे का शीश ले आऊं काट के तेरी माता जी के चरणों में। राजा हरिचंद तारा राणा को समझाने लगे, रानी उनके मां पिया नो पुत्र माता जी का
तो बड़े परेशान बड़े दुखी मत हो, मेरी मदद की पहचान करनी है, दर्शन करने मेरी मदद को देना। मैं सब तो पहले कर्म लगती है, सब तो पहले कर्म करो, उसके बाद देखो मेरी मदद का कौन कार्य करेगा। रानी मुझे करें है सारा पानी के लिए राजा, मैं करती है तो वो काम कर तो पहले ही तो काम करो, आती है राज ने बोले रानी तू कैसी मां, तय मेरा घोड़ा ही मरवाई था, मेरा बच्चा ही मरवाई था, मेरा बच्चा मेरे राज महलों की शान था, मेरा सुख तो सारा था रानी, मेरा बुढ़ापे का सारा था, इतना हमारे बड़ा अनर्थ मुझे करवाई था, हूं तो बोला करते कि मैं अपने घोड़े का प्रसाद बढ़ावा, अपने बच्चे का प्रसाद बढ़ावा, मैं इतना हमारे बड़ा अनर्थ मैं नहीं करना। तो तारा राणा जी ने बोले राजा भगवान की पहचान करनी है ना, मेरी मन के पूर्ण दर्शन करने ना, सिर पे सवार होकर 16 श्रृंगार करके तो ऐसा कर्म करना ही पूरा है। माता भैरवी राज जी ने बोले रानी तो अपनी माता पर इतना विश्वास करती है, इतनी शक्ति है तेरी माता देवी, तो बिना लकड़ी के बिना केले तुम जो आग जला के देखा, मैं अपने घोड़े का प्रसाद बनाता है, अपने बच्चे का प्रसाद बनाता है। तो माता भैरवी तारा रानी जी ने माता जी को पुकारे कि माँ मेरे पति राजा हरिचंद जी तुसनी पहचान करना चाहते हैं, मां समझ कोई ना कोई चमत्कार दिखाओ। तो माता भैरवी तारा रानी परमाता जी का क्या आशीर्वाद हुआ कि माता जी की ज्योतियां प्रचंड हो गई, बिना ज्योति के साक्षात माता जी का चमत्कार आशीर्वाद हो गया। राजे जो माता प्रेमियों को ज्योति के ऊपर अपने घोड़े का प्रसाद ही माता प्रेमी बनाना पे, अपने बच्चे का प्रसाद भी तैयार करना पे। राजे ने माता प्रेमियों अपने घोड़े का प्रसाद लिया, अपने बच्चे का प्रसाद लिया और तारा रानी वाले चले गए, रानी ले मेरे घोड़े का प्रसाद, ले मेरे बच्चे का प्रसाद, दिखा अपनी माता जी का चमत्कार आशीर्वाद। तो माता प्रेमी तारा रानी जी ने बोले राजा सब तो पहले तुम ऐसा कर्म करो कि मेरी माता को भोग लगाओ, पूर्ण मुक्ति लगाओ। राजा हरिचंद जी ने माता बहनी घोड़े की प्रसाद दी, बच्चे की प्रसाद दी, पूर्ण मुक्ति माता जी जो लगाई थी। उस तो बाद राजा ने बोले रानी हूं तो मैंने माता के पूर्ण दर्शन करवाई दे, माता जी की पहचान करवाई दे। तो माता बहनी तारा राणा जी ने बोले राजा भगवान की पहचान करना आसान गल नहीं है, ऐसा कर्म करो राजा हूं तुस जो अपने घोड़े का प्रसाद भी ग्रहण करना पौना है, अपने बच्चे का प्रसाद भी खाना पड़ा, जेडी संगत बैठी राजा सारी संगत हां थोड़ा थोड़ा प्रसाद सारा देना पड़ा। राजे ने बोले रानी ये तू कैसे बोला करती है, अपने घोड़े का प्रसाद खावा, अपने बच्चे का प्रसाद ग्रहण करा, इतना भारी बड़ा नर्क मैं कर दू क्या। राजा हरे चंद तारा रानी जी को समझाना से कह लगे बोल वो काते रानी तो मैनू तड़ पाई जाती है, रानी तो मैनू तड़ पाई जाती है, रानी तो मैनू मेरी हाथी मिलाई जाती है, I'm not afraid of the dark.
माता जी के पूर्ण दर्शन करने वास्ते अपने घोड़े का प्रसाद भी ग्रहण करना पड़ेगा, अपने बच्चे का प्रसाद भी खाना पाई है माता जी को जमाने वास्ते। और जिस टाइम राजे ने अपने बच्चे का प्रसाद ग्रहण किया ना, तो माता गुजर ने उस बच्चे की छोटी उंगली राजे के मुंह दे विच आई। उस तो बाद राजा हरिचंद जी अपने बच्चे का बजोग सहन नहीं कर सके, रोना लगे, चिल्लाना लगे, अपने बच्चे की प्राप्ति वास्ते बिलाप लगे करना, सकिया लगे बोलना, महाराज तारा राणी तू पहर कमाया मेरे लाल पर तरश भगवान का गुणगान करना है, भक्ति करनी है, तपस्या करनी है, माता जी का स्मरण करना है। माँ बहुत बड़ी शक्ति रानी, तू मेरी प्रयास सुन ले। तो माता बोली राजा हरे चंद जी अपने अपराध की क्षमा याचना के करना सके लगे बोल। रो रो तारा को राजा बताने लगे मेरे लाल को वापस ला दो रानी, रो तारा को राजा बताने लगे मेरे लाल को वापस ला दो रानी, रो रो तारा को राजा बताने लगे Thank you.
उस तो बाद माता जी आकाशवाणी होवे राणी तेरे पति राजा हरि चंद जी अपने बच्चे के वियोग दे उपर बड़े ही परेशान है। अपने पति जो बोलो कि अपने घोड़े दे प्रसाद जलो, अपने बच्चे दे प्रसाद जलो, जाओ चले जाओ महलों में, जाओ मेरी माता जी की भक्ति और शिव की पहचान। राज ने माता पिता अपने घोड़े का प्रसाद लिया, बच्चे का प्रसाद लिया, रोंदे रोंदे चले गए महल। आगे जाकर क्या देखते हैं कि माता जी का बड़ा ही सुंदर दरबार सजा था। राजे ने माता पिता घोड़े का प्रसाद, बच्चे का प्रसाद माता जी के चरणों के अगे रखी था। उस तो बाद राजे ने बोले राणी हुण बोल मैं माता जो भोग लगाना प्रसाद लगाना लगाना किस तरह। तो माता पिता तारा राणी जी ने बोले राजा ऐसा कर्म करो कि अपने घोड़े के प्रसाद का कपड़ा उठाओ, अपने बच्चे के प्रसाद का कपड़ा उठाओ और सब तो पहले मेरी माता जी की भक्ति और शिव की पहचान करो। तो माता पिता जिस टाइम राजे ने अपने घोड़े के प्रसाद का कपड़ा उठाया ना, तो माता पिता घोड़े के प्रसाद बदल के काले चने का प्रसाद बन गया था। साक्षात माता जी का चमत्कार आशीर्वाद हो गया। और माता पिता जिस टाइम राजे ने अपने बच्चे के प्रसाद का कपड़ा उठाया तो बच्चे के प्रसाद बदल के हलवे का प्रसाद बन गया था। सारे बोली जय माता, जय माता, माता जी की पूर्ण कृपा पूर्ण आशीर्वाद हो गया। राजे ने बोले राणी ये मैं माता जी का कैसा चमत्कार देख लिया है। तो माता बोली तारा राणी जी ने बोले राजा ये मेरी माता जी की योग माया है जो कोई नहीं कर सकता है, मेरी माता कर सकते है। ऐसा कर्म करो राजा कि काले चने हलवे के प्रसाद की मेरी माता जी को नौ नौ बारे पनौती लगाओ, नौ देवियों को मेरी माता जी को भोग लगाओ, सब तो पहले मेरी माता जी को प्रसन्न करो, उसके बाद देखो मेरी माता जी के चमत्कार। राजा मेरी माँ बड़ी ही दयालु है, बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाली है, सारे सेठ की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, अपने बच्चे का कल्याण करने वाली है, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, करो पहचान माता जी। राजा हरि चंद और तारा राणी जी ने काले चने हलवे की प्रसाद की पूर्णोती माता जी लगाई। उस तो बाद माता पिता राजे ने बोले राणी हुण बोल हुण की करना है। तारा राणी जी ने बोले राजा जाओ चले जाओ घोड़े के तबेले में, जाकर देखो कि मेरी माता जी का आशीर्वाद हुआ कि नहीं हुआ। राजा माता पिता घोड़े के तबेले में गए ना, तो आगे जाकर क्या दिखते हैं, साक्षात माता जी का चमत्कार। क्या चमत्कार कि माता पिता राजे ने घोड़ा था, माता पिता जीवित पाए राजे ने, राजे का घोड़ा तो घास खा करता था। राजे ने माता जी का कोटी कोटी प्रणाम किया कि माँ तू तो बहुत बड़ी शक्ति है, ना तेरा आदि है ना अंत है। माता पिता चमत्कार पर चमत्कार की प्यार होना। राजा हरि चंद जी अपने महलों में गए तो माता पिता राजे ने अपना बच्चा भी जीवित पाया। राजे का बच्चा खेला करा था महलों के बीच। राजे ने माता पिता अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया, बड़ा ही लाड प्यार किया। और तारा राणी वाली गई राणी ये देखो मेरा बच्चा सब तो प्यारा सब तो निराला जीवित हो गया है, आशा पर माता जी की पूर्ण कृपा पूर्ण आशीर्वाद हो गया है। मैं तेरी भक्ति भावना पूजा पाठ से बड़ा ही प्रसन्न है राणी, तू मंग मेरे दरबार में क्या मंगना चाहती है। तो तारा राणी जी ने बोले राजा एक माता जी का छोटा जा मंदिर बनाए दो, माता जी की मूर्ति रखवाई दो, माता जी की ज्योति प्रचंड करवाई दो, दिन रात माता जी का गुणगान करेंगे, माता जी की भक्ति करेंगे और मैंने कुछ नहीं चाहता है। राजा हरि चंद जी ने एक बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया, बड़ी सुंदर माता जी की मूर्ति रखवाई और देसी घी की माता जी की ज्योत प्रचंड करवाई थी। राजा हरि चंद और तारा राणी जी दिन रात माता जी का गुणगान भी प्या करना, दिन रात माता जी भक्ति भी प्या करना उस मंदिर के बीच। और जितना भी राज पार्थ राजे का सारा अपने बच्चे नाम करी आपू माता जी का माता पिता स्मरण के करना कह लगे बोलना महाराज मैया तेरे
राजा हरिचंद तारा रानी मैं सुनी भक्ति भावना पूजा पाठ से बड़ी ही प्रसन्न है। मैं सुनी वरदान दी है कि जिस जागरण दे जमे तारा रानी दी कथा राजा हरिचंद जी दी कथा बोले जानी है, बचे जानी है, विधि विधान ने सुनाई जानी है, बड़े ही प्रेम ने सुनाई जानी है, वो ही जागरण संपूर्ण होना है। जिस जागरण दे विच में तारा रानी दी कथा राजा हरिचंद जी दी कथा ना भूल गई ना बच गई वो जागरण मेरे संपूर्ण नहीं होना है। उस जो माता जी का जागरण किया है असल कोई गलती होगी भूल चूक होगी तो माफ करना, असल कोई ऐसा कोई सब छोटा कुछ माफ करना, मेरी माँ अपने सेवक की हाजिरी कबूल कर लेना, दिन दुगनी रात चौगुनी करना, हाथ दे रखना, पल्ला दे रखना, मेरी मां अपने बच्चे का मार्गदर्शन